अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बच्चों ये 7.3 की एग्जांपल हमने करनी है। एग्जांपल नंबर 1 जो है वो बहुत इजी है, एग्जांपल नंबर 2 एग्जैक्ट वही बुक के सवाल हैं जो आप लोग करते हुए आ रहे थे तो मैंने करवाए नहीं है। एग्जांपल नंबर 3 एग्जैक्ट वही सब पार्टी बनाने की, मतलब सेम ही चीजें जो हम बुक में बार बार कर चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 थोड़ा देख लेते हैं, ये भी हम कर चुके हैं लेकिन थोड़ा सवाल चेंज है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 पेज नंबर 238, तो लिखा हुआ क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ क्रिकेट 11 बी चूजन आउट ऑफ 14 प्लेयर्स। तो सबसे पहली चीज आपको प्लेयर्स कितने गिवन है, प्लेयर्स है यहां पे 14, नंबर ऑफ प्लेयर्स टू बी चूजन, कितने आपको प्लेयर चूज करने हैं, 11 चूज करने हैं। अच्छा तो सॉल्यूशन पे आते हैं बच्चों, अच्छा मैं दूसरा पार्ट पहले करवाने लग गया था। तो भाई 14 प्लेयर है और 11 आपने चूज करने, सबसे पहले लिखा हुआ है इन हाउ मेनी वेज कैन अ क्रिकेट 11 बी चूजन आउट ऑफ 14 प्लेयर। सबसे पहला पार्ट यही है कि यार कितने नंबर ऑफ वेज बताओ आप हमें कि जिसमें 14 प्लेयर हो और उसमें से 11 आपने चूज करना है। तो सवाल क्या होगा, नंबर ऑफ वेज किस तरह निकालोगे, किस चीज के इन विच, नहीं आप ही कह सकते हो कि नंबर ऑफ वेज इन विच ही लिख देते हैं, इन विच वी सिलेक्ट 11 प्लेयर्स आउट ऑफ 14, ऐसे नंबर ऑफ वेज जिसमें आप 14 प्लेयर में से 11 सिलेक्ट कर सकते हो। तो क्या होगा, सिंपल कॉम्बिनेशन का सवाल है, ऑर्डर मैटर नहीं करता क्योंकि जो आप 11 सेलेक्ट कर रहे हो पोजीशन नहीं आपने बताई गई कि जो पहला सेलेक्ट करेंगे वो ओपनर ही होगा, जो दूसरा सेलेक्ट करेंगे वो दूसरा ओपनर होगा, नहीं रैंडमली आपने 11 सेलेक्ट करना है। तो 14 से 11 हो जाएगा 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो बुक ने क्या सॉल्व किया हुआ, बुक ने आंसर निकाला हुआ है इसका 364, तो हम बुक का ही छापते हैं, 364 पहला आंसर हो जाएगा। अब इसको पार्ट तो उन्होंने नहीं कहा था, पहला पार्ट इन्होंने कहा है कि इंक्लूड अ पर्टिकुलर प्लेयर। फॉर एग्जाम्पल एक प्लेयर की पर्ची है वो लाजमी आपने इंक्लूड करना है। एग्जैक्ट ये वही क्वेश्चन है जो आपने बुक 7.3 में भी किया था, बॉल हालांकि रेड बॉल लाजमी इंक्लूड होगी। तो कंसीडर करो एक प्लेयर तो लाजमी आपने सेलेक्ट करना है, तो उसको तो आप 14 में से एक प्लेयर को उठाओ और 11 में से सेलेक्ट कर लो। तो अब 14 प्लेयर थे, एक आपने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया, तो पीछे बचे 13 प्लेयर और कितनों को सेलेक्ट करना है, 10 को करना है क्योंकि एक आपने सेलेक्ट कर लिया ना, एक टीम में आप 14 में से एक बच्चा उठा के आप रख लिया आपने, अब 13 बचे, 13 में से किसी और 10 को सेलेक्ट करो, एक तो ऑलरेडी सेलेक्ट हो गया। तो इंक्लूड अ पर्टिकुलर प्लेयर, अब कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, अब नंबर ऑफ वेज होंगे 13 बचे उसमें से कोई भी 10 सेलेक्ट कर लो, तो 13 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो क्या आंसर होगा भाई, 286 ऐसी टीम्स बनेगी जिसमें एक प्लेयर को आपने लास्ट में सेलेक्ट करना है। फिर पार्ट नंबर 2 क्या है, एक्सक्लूड अ पर्टिकुलर प्लेयर। कंसीडर कर लो एक प्लेयर जो है वो बहुत ही मेहनती है और उसका फटा हुआ है चेयरमैन से, तो वो उसको नहीं रखना चाह रहा, वो हमेशा उसको निकालना चाह रहा है, तो भाई 14 प्लेयर है उसको उसमें हमेशा निकालना है। तो ये समझ लो 14 प्लेयर बैठे हैं, उसमें से उसको ऑर्डर हुआ कि एक प्लेयर को साइड पे निकाल दो, तो अब पीछे कितने बचे, अब पीछे 13 बच गए, उसको हमने सेलेक्ट नहीं करना, तो 14 में से एक को आपने उठाया साइड पे फेंक दिया, अब पीछे कितने बचे 13, 13 में से कोई भी 11 सेलेक्ट करो। उसमें फर्क है, वहां पे आप एक को लास्ट में इंक्लूड कर रहे थे तो फिर आप कह रहे थे 13 में से 10 को कर लो क्योंकि एक को हमने ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है, यहां पे उस एक को आपने एक्सक्लूड कर देना है। तो टोटल 14 प्लेयर थे, एक को हमने निकाल दिया, पीछे बचे 13, अब 13 में से आपने 11 की टीम बनानी है क्योंकि उसको हमने सेलेक्ट नहीं करना, तो समझ लो इसमें टीम 11 की बन रही है। पिछले वाले केस में एक को ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया था ना, तो फिर आप 10 सेलेक्ट कर रहे थे, और इस वाले में एक को निकाल के आपने साइड में कर दिया, तो अभी कुछ सेलेक्ट नहीं किया, सेलेक्ट आपको 11 करने है, लेकिन अब चॉइसेस कितनी है, अब 13 चॉइसेस बची हैं, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 13C11, मतलब 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 13/12, 13 मल्टीप्लाई 6 78 होगा ना, हाँ 78 आंसर आता है, ये आंसर है बच्चों इस सवाल का। उसके बाद जो एग्जाम्पल करवानी है वो एग्जाम्पल नंबर 5 है, कोई इतनी बड़ी एग्जाम्पल नहीं है और पेपर में आने के चांसेस भी नहीं है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने कभी डिस्कस कर लू, असल तो मैं ये आप लोगों का डिस्कस करूंगा चैप्टर नंबर 8 के अंदर, वो कॉन्सेप्ट क्या है जरा उसको देख लेते हैं। हाँ वो कॉन्सेप्ट ये होता है कॉम्बिनेशन के अंदर होता है, नाम तो बुक में लिखा हुआ पास्कल रूल कहते हैं, असल चीजें पास्कल ट्रायंगल आप लोगों को बताऊंगा मैं,
फिर ये पास्कल रूल दोबारा वहां पे बता दूंगा, अभी बस देख लो एग्जांपल सॉल्व करने के लिए जरूरत पड़ेगी आपको। कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक कॉम्बिनेशन लिखी हुई है एनसीआर और इसको मैं ऐड करता हूं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट में सेम ही रखता हूं, लेकिन इसमें मुझे आर को सेलेक्ट करना था, इसमें मुझे आर माइनस वन को करना है, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट वही है। इसमें फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चारों करना था, इसमें मैं तीन को करूंगा, एक को करना है। तो अगर जब आप इनको ऐड करोगे ना, ये बराबर होगा एन प्लस वन कॉम्बिनेशन आर। फॉर एग्जाम्पल मैं सिखाता हूं, अगर आपके पास लिखा हो 5C2 और आपने इसको ऐड करना हो 5C1 में, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेम ही है, इसमें टू सेलेक्ट करने थे, इसमें एक सेलेक्ट किया आपने, तो ये किसके बराबर होगा कि जो 5 है ना इसके अंदर 1 ऐड करो 6, और इन दोनों में मैक्सिमम कौन सा है, ये मैक्सिमम है इसको आप लेंगे। तो आप 5C2 का आंसर निकालो, ये 10 होता है, इसका आंसर 5 होता है, और 6C2 का निकाले देखना 15 होगा, तो 15 = 15। तो बस ये कॉन्सेप्ट रखना, ऊपर वाले चीजें सेम होनी चाहिए, आंसर कैसे आएगा 1 ऐड कर देना, ठीक है, नीचे में एक चीज बड़ी हो और दूसरी चीज उससे एक छोटी हो, आंसर में क्या होगा, जो बड़ी चीज होगी, बड़ी चीज 2 है तो बड़ी चीज आ जाएगी। इसको आप कहते हो पास्कल रूल, ये इसकी जनरल फॉर्म है जो मैंने आप लोगों के सामने लिखी, ठीक है, ये आप अप्लाई करोगे। जो उन्होंने क्वेश्चन दिया है, हमने इस क्वेश्चन को इसी तरीके सॉल्व करना है, तो जरा देखते हैं कि क्या करना है, बल्कि प्रूफ करना है आपको, ठीक है। ये जो मैंने एक चीज लिखवाई है ना आपको, एक तो वैल्यू निकाल के प्रूफ कर सकते हो ना, एक डिफरेंट अंदाज में उन्होंने प्रूफ किया है, वो जरा हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में लिखा हुआ है कि शो करो, किस चीज को शो करना है कि 8 3 + 8 4 ये बराबर होना चाहिए 9 4 के। तो भाई शो करने का एक बुक वालों ने थोड़ा मुश्किल तरीका लिखा हुआ है, एलसीएम निकाल के उन्होंने सॉल्व किया हुआ पूरा, उस तरह भी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, उस तरह ही कर लेते हैं। चलो प्रूफ देखो इसका, एक तरीका क्या, वैल्यूज निकालो दोनों की, एड करो, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करो अलग अलग, उस तरीके से भी आप कर सकते हो। इसमें फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट हैंड साइड को पिक कर लिया, आपको पता है जो राउंड ब्रैकेट है ना, ये कॉम्बिनेशन वाली नोटेशन होती है, ये 8C3 है, तो 8C3 क्या होता है, 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, जबकि ये क्या होगा, 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, और डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल। अब आपने इनको आपस में एड करना है, एड कैसे करोगे भाई, डिनोमिनेटर सेम करने, आप डिनोमिनेटर सेम कैसे करोगे, मतलब एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है कि आप दोनों तरफ अगर डिनोमिनेटर सेम कर लो तो डायरेक्ट वो एलसीएम आ गया, न्यूमरेटर्स को आप ऐड कर दोगे। तो अब मैं एलसीएम कैसे लूं, कैसे मैं इनके डिनोमिनेटर को सेम करूं, भाई देखो अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करवाता हूं, मल्टीप्लाई डिवाइड करवाता हूं, तो नीचे 5 और 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, और उसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई, हाँ आप क्या करो, आप इस फ्रैक्शन को 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ऊपर भी 4 मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी आप 4 मल्टीप्लाई कर दो, मैं पोजीशन उसकी चेंज कर रहा हूं, बस मैं 4 को दरमियान में लिख रहा हूं, बात एक ही है, ऊपर भी 4 लगा दिया, नीचे भी 4 लगा दिया, आप इस 4 को 4 से कैंसिल करो, दोबारा वही चीज आ जाएगी, क्यों ऐसे किया आपको समझ आ जाएगी। इधर आप क्या करो, इधर आप 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाओ, ऊपर भी 5 मल्टीप्लाई करवा दो, नीचे भी 5 मल्टीप्लाई करवा दो, अब फायदा क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे भाई इससे। कैसे सेम हुए देख लेते हैं, ऊपर है 4 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल, नीचे क्या होगा, क्या देखो मुझे बताओ ये 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 फैक्टोरियल के बराबर होता है क्या, 4 फैक्टोरियल को आप इस तरह नहीं लिख सकते 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, भाई लिख सकते हो, फैक्टोरियल की क्लास देख लेना, मैंने डिटेल में बताया था, 4 फैक्टोरियल को आप बिल्कुल लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। तो जो 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल है इसकी जगह आप क्या लिख दो, 4 फैक्टोरियल। इसी तरह ये जो 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल है क्या आप इसको इस तरह नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो, 5 फैक्टोरियल क्या 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल के बराबर नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो आप क्या करो, आप 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल इसकी जगह क्या लिख दो, 5 फैक्टोरियल, ये आपके डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो ये एलसीएम है आपका। जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तब तो ऐड करना बड़ा इजी होता है ना, तो आप इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करोगे, सिंपल जो इनका डिनोमिनेटर है वो लिखो और इनके न्यूमरेटर्स को ऐड कर दो, उसका न्यूमरेटर है 4 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल, इसका न्यूमरेटर है 5 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल। ऊपर अगर आप देखो 8 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा 4 प्लस 5, पहले टर्म से 4 आएगा, दूसरी टर्म से 5 आएगा, नीचे एज इट इज रहने दो। 4 प्लस 5 क्या होता है 9, ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल, 9 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल, भाई 9 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल इज 9 फैक्टोरियल, ठीक है। अब नीचे आप एक काम करो, आप
फाइव फैक्टोरियल को इस तरीके से लिख सकते हो, फोर फैक्टोरियल मैं साइन पे लिखता हूं और फाइव को मैं ऐसे लिख सकता हूं, नाइन माइनस फोर। मैंने कुछ भी नहीं किया, कम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा रहा हूं, फाइव फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल। मैंने क्या किया, फोर फैक्टोरियल को जवाब रहने दिया, फाइव फैक्टोरियल को मैंने क्या लिखा, नाइन माइनस फोर। अच्छा, आप इसको इस तरह भी कर सकते थे कि आप फोर को अपनी जगह पर रहने देते और फाइव को इस तरह लिख देते नाइन माइनस फोर, मतलब वही काम किया ना आपने। मैं ऑर्डर चलो इस तरह लिख देता हूं ताकि आप लोगों को मसला ना हो, नाइन माइनस फोर और फोर फैक्टोरियल। इस तरह भी आप कर सकते थे, या आप फोर फैक्टोरियल को लिख दो, फोर फैक्टोरियल को आप इस तरह लिख दो, नाइन माइनस फाइव और फाइव फैक्टोरियल को अपनी जगह पर रहने दो। दोनों तरीके से डिनोमिनेटर आप कर सकते हो, भाई फर्क क्या है इसमें और निकालना क्या चाह रहे हैं, निकालना चाह रहे हैं कि ये पूरी चीज इसके बराबर है, 9C4 के। 9C4 का फॉर्मूला क्या होता है भाई, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एनसीआर का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन में आपने देखा था ना कि जो n फैक्टोरियल ऊपर आता है r नीचे आ जाता है और फिर आप n और r को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हो, तो वही चीज तो है यहां पे, ऊपर n है n, नीचे 4 है r फैक्टोरियल, फिर क्या किया है n माइनस 4, तो इसी के बराबर होगा ना NC4, NC4 को एक्सपेंड करोगे इसी चीज के बराबर होगा, या अगर आप डिनोमिनेटर ये लिखोगे तो फिर ये इसके बराबर होगा। लेकिन आपको पता है NC5 को फिर दोबारा आप बराबर रखना पड़ेगा NC4, NC4 NC5 बराबर ही होते हैं आपस में, इसमें कोई मसला नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन है, बराबर होते हैं, लेकिन ये चीज निकालने के लिए दैट्स व्हाई मैंने इस फॉर्म में ब्रेक किया ताकि वो मैच कर जाए पूरा, ठीक है। और NC4 को आप किस तरह लिख सकते हो ब्रैकेट के फॉर्म में, N4, ठीक है। तो ये आपकी राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side आपने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो इस तरह भी प्रूफ कर सकते हो, ये बुक का मेथड है, या आप इसको सॉल्व करो, इनको एक्सपेंड करके इनके आंसर निकालो, आपस में ऐड कर दो, फिर आप राइट हैंड साइड को कंसीडर करो 9-4, इसको सॉल्व करो, आंसर निकालो, फिर एंड पे बोल देना, इसको 1 बोल देना, इसको 2 बोल देना, एंड पे बोल देना बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2 वी कंक्लूड दैट के लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड के बराबर है। दोनों तरीके से आप कर सकते हो सवाल, अच्छा वो थोड़ा इजी रहेगा आप लोगों के लिए। खैर आखिरी एग्जाम्पल रहेगी बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 6, जगह मिल जाएगी, हो जाएगा यहाँ पे। कम्बिनेशन की इतनी एग्जाम्पल नहीं है, परमुटेशन जो है वो थोड़ा बहुत बड़ा टॉपिक था, डिफरेंट उसके अंदर एग्जाम्पल हर चीज थी, तो ये जो मैं एग्जाम्पल आपको करवा रहा हूं, आखिरी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6 ऑन पेज नंबर 240, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। और बहुत ईजी एग्जाम्पल है, बहुत दफा आपने सवाल किया है, लिखा हुआ डिपार्टमेंट इन अ कॉलेज कंसिस्ट ऑफ 4 प्रोफेसर एंड 8 स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ प्रोफेसर्स 4 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 8 है। अ स्टडी टूर इज टू बी अरेंज इन हाउ मेनी डेज, करना पार्टी ऑफ 4, 4 की पार्टी बनानी है, पार्टी कंसिस्ट ऑफ 4 पर्सन, कह लो फॉर एग्जाम्पल पार्टी जो है वो 4 बंदों की होनी चाहिए, और लिखा हुआ क्या है, हाउ मेनी वेज कैन अ पार्टी ऑफ 4 टू बी चूजन सो एज टू इंक्लूड एटलीस्ट 1 प्रोफेसर, कि एक प्रोफेसर को लाजमी करना है, पार्टी कंसिस्ट ऑफ 4 पर्सन इन विच एटलीस्ट 1 प्रोफेसर इंक्लूडेड। बहुत ही खतरनाक अंग्रेजी है कि पार्टी कंसिस्ट ऑफ 4 पर्सन इन विच एटलीस्ट 1 प्रोफेसर मस्ट बी इंक्लूड लिख दो, फॉर एग्जाम्पल मस्ट बी इंक्लूड, भाई कम से कम एक प्रोफेसर को लाजमी आपने इंक्लूड करना, ऐसी पार्टी बनाओ 4 की जिसमें एक प्रोफेसर जो है वो कम से कम लाजमी हो उसके अंदर, ज्यादा ज्यादा 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 नहीं हो सकते क्योंकि प्रोफेसर ही 4 है, वैसे 5 हो सकते हैं, एटलीस्ट का मतलब में क्या होता है, कम से कम एक हो, ज्यादा ज्यादा कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आपके पास स्टॉक में ही 4 प्रोफेसर, 4 से ज्यादा कहां से लाओगे, ठीक है। तो मेरे नाम से स्टार्ट करते हैं और मैक्सिमम तक जाते हैं, तो नंबर ऑफ वेज क्या है, मिनिमम बात क्या है कि एक प्रोफेसर होना चाहिए, तो 4 है उसमें से एक प्रोफेसर करो, टीम आपको 4 की बनानी है, तो एक आपने प्रोफेसर सेलेक्ट कर लिया, बाकी 3 स्टूडेंट सेलेक्ट करो, 8 में से कोई भी 3 सेलेक्ट कर लो। दूसरी पॉसिबिलिटी कि 4 में से 2 प्रोफेसर सेलेक्ट करो और 8 में से बाकी 2 स्टूडेंट सेलेक्ट कर लो, 4 हो गए। तीसरी पॉसिबिलिटी 4C3, 3 प्रोफेसर सेलेक्ट कर लिए और 8 में से कोई भी एक स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिए। और आखिरी पॉसिबिलिटी जो 4C4 के 4 के 4 ही प्रोफेसर आपने सेलेक्ट कर लिए, बिल्कुल आप कर सकते हो, और 4 की टीम बनानी थी, 4 के 4 ही आपने प्रोफेसर सेलेक्ट किए, स्टूडेंट कितने हुए, स्टूडेंट 0 हुए, चाहे इस चीज को लिखो ना लिखो, बात यही है 8C01 ही होता है,
लिखो ना लिखो बात एक ही, लेकिन मैं वो सब चीजों को कंपेयर करवाने के चक्कर में बता रहा हूं कि 134224314404 मतलब पार्टी चार की होनी चाहिए, एक प्रोफेसर तीन स्टूडेंट, दो प्रोफेसर दो स्टूडेंट, तीन प्रोफेसर एक स्टूडेंट, चार प्रोफेसर जीरो स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट की कोई शर्त नहीं थी, स्टूडेंट हो या ना हो गए तेल लेने वो असल ताकि प्रोफेसर जो है वो एटलीस्ट एक होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दो तीन चार भी हो सकते थे। तो अब वक्त आ गया है सॉल्व करने का। तो 4C1 जो है बच्चों ये होता है 4 और 8C3 होगा 56 प्लस, फिर है 6 × 28 ये हो जाएगा 6 और ये होता है 28 प्लस 4C3 जो है वो होगा 4, 8C1 होगा 8, यही है ना 4 × 8 हाँ, और फिर ये जो है तो 1 के बराबर होगा। तो सॉल्व करो आंसर आ रहा है 425। 425 ऐसे तरीके हैं जिससे आप चार लोगों की कमेटी बना सकते हो फ्रॉम 8 स्टूडेंट एंड 4 प्रोफेसर इन विच एटलीस्ट 1 प्रोफेसर मस्ट बी एक्सक्लूडेड। हो गया सवाल, होगी परमोटेशन कम्बिनेशन प्रोडक्ट प्रिंसिपल खत्म। अब मुझे नहीं लगता किसी को मसला होगा, ये सब लेक्चर देखने के बाद भी अगर किसी को मसला है तो भाई तुम मैथ छोड़ दो, क्योंकि इससे अच्छे इससे आसान और इतनी डिटेल में तो मुझसे पूछो जो मेरी हालत हो रही है इस वक्त, इतनी डिटेल में कोई नहीं बता पाएगा। बहुत डिटेल में एक एक चीज एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट हर चीज मैंने डिस्कस की है। तो जरा कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन साइड पे, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, यार मैं वीडियो एडिट कर रहा था तो मुझे याद आया कि 7.1 का क्वेश्चन नंबर 14 मुझे करवाना था। मैं दूसरी तरीके की वीडियो बना लेता लेकिन मेरी हालत अच्छी नहीं है, तो इसी टाइप की वीडियो बना के हम सॉल्व कर लेते हैं। यार क्वेश्चन नंबर 14 कॉम्बिनेशन का है, सवाल आपके पास ये लिखा हुआ है कि आपको तीन एलिमेंट के सबसेट बनाने हैं, किस सेट में से एक सेट गिवन है जिसके 5 एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और आपको बोला हुआ है इसके आप सबसेट बनाओ तीन एलिमेंट के। तो देखो सबसेट बनाना एक मैनुअल तरीके से भी आप बना सकते हो, लेकिन मैनुअल तरीके से बेहतर है कि आप कॉम्बिनेशन यूज़ करो, वरना अगर इसके एलिमेंट बड़े हो गए तो आप कैसे बनाओगे। तो अब कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे कैसे यूज़ करोगे, थोड़ा सा डाटा बना देना, आप लिख देना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स गिवन है आपको, 5 एलिमेंट्स गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच सबसेट, आप ये लिख देना कि नंबर सबसेट के अंदर कितने एलिमेंट होने चाहिए। बुक वालों ने कहा है कि भाई हर सबसेट के अंदर 3 एलिमेंट होने चाहिए। सॉल्यूशन किस तरीके से करोगे भाई, टोटल नंबर आपके पास कैसे आ जाएंगे टोटल सबसेट, और नीचे लिख देना अगर बताना चाहो 3 एलिमेंट के। तो ये सवाल बच्चों कॉम्बिनेशन का बनेगा, सिंपल सवाल है 5C3। कॉम्बिनेशन क्यों लगा रहे हैं, सबसे पहली बात जब भी आप सबसेट निकालते हो तो आपने दो बातें उसके अंदर ऑब्जर्व की होंगी कि जो इस सेट के मैं सबसेट बनाऊंगा, फॉर एग्जांपल 3 एलिमेंट का सबसेट एक ये है 1, 3, 5। अगर आप इस सेट की खासियत देखो इस सबसेट की, इसके अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकते, सेट के अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकते, तो दैट्स वाई कॉम्बिनेशन विद रिपीटेशन का केस ही लगेगा। दूसरी बात, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, मैं 1, 3, 5 लिखूं, मैं 3, 1, 5 लिखूं, या मैं इसको 1, 5, 3 लिख दूं, ये सब एक ही माने जाएंगे। तो अगर ये सब अलग होते तो मैं यहाँ पे परमोटेशन यूज़ करता, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, ये एक ही कम्बिनेशन मानी जाएगी, ये एक ही सेट माना जाएगा। इसको आप ये नहीं बोल सकते कि 3 सबसेट आपने लिखे हुए, नहीं, ये एक ही सबसेट माना जाएगा। तो यहाँ से आपने बात ऑब्जर्व की कि ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा इसके अंदर, तो ऑर्डर मैटर भी नहीं कर रहा, एलिमेंट रिपीट भी नहीं कर रहे, तो कौन सा केस बन रहा है आपका, सिंपल कम्बिनेशन का बन रहा है जिसके अंदर आपको पता है रिपीटेशन अलाउ नहीं होती। 5C3 इसका फॉर्मूला है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 5C3 क्या होगा, 5 × 3 × 2 जो के बराबर होता है 10 के। तो इसका मतलब आपके पास 3 सबसेट ऐसे होंगे, सॉरी आपके पास 10 सबसेट ऐसे होंगे जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स होंगे फ्रॉम दीज 5 एलिमेंट्स। और चाहो तो आप बना सकते हो, उसके बनाने का तरीका बहुत इजी होता है, 1, 2 को पिक करो, 1 मैं अभी सेट की फॉर्म में नहीं लिख रहा, मैं वैसे 3 आपको बता रहा हूँ, 1, 2 आप 3 लिखो, फिर 1, 2 के साथ 4 लिखो, फिर 1, 2 के साथ 5 लिखो, ठीक है, फिर आप 1, 3 को फिक्स कर लो, 1, 3 के साथ 4 लिखो, 1, 3 के साथ 5 लिखो, फिर आप 1, 4 को फिक्स कर लो, 1, 4, 5 हो गया, 1 के सारे आपने कंप्लीट कर लिए। अब 2 से स्टार्ट करो, सबसे पहले 2, 3, 4, फिर आप लिख सकते हो 2, 3, 5, फिर आप लिख सकते हो 2, 4, 5, तो ये हो गए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और 10वां आप बना दो 3, 4, 5। तो ये 10 सबसेट होंगे, इसको आप ब्रैकेट के अंदर लिख लेना कॉमा सेपरेट करके। तो इन 5 एलिमेंट से आपने जो 3 एलिमेंट के सबसेट बनाए वो सारे मैंने लिख दिए, ये 10 बनेंगे, इसके अलावा और कोई 3 एलिमेंट का नहीं होगा। इसके अलावा कोई भी आप अपनी तरफ से लिखोगे वो बस ऑर्डर चेंज होगा, फॉर एग्जांपल आप रैंडम कोई पिक कर लो, आपने 3 पिक कर लिया, आपने 2 पिक कर लिया, आपने 5 पिक कर लिया, तो ये जो है ये ऑलरेडी काउंट हुआ होगा, बस आपने ढूंढना है कहां पे है ये 3 to 5, ये रहा,
तो ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, तो बात एक ही है, टोटल 10 ही होंगे, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। तो ये 7.1 का क्वेश्चन नंबर 14 था, ये भी मैंने करवा दिया। तो आपका चैप्टर नंबर 7 में शुरू होंगे 3 एक्सरसाइज विद एग्जांपल डिटेल में कंप्लीट हो गई है।